हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्यूटोरियल। तो गैस, कैसे हैं आप लोग? गैस, इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूं 29 जनवरी 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि हिंदी मीडियम में है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले गैस, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो ये बना है चीन। ठीक है गाइस, अगर एफडीआई की बात करें तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा ने दूसरा कार्यकाल जीता है? तो ये जीता है पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आयुष्मान CAPF योजना शुरू की है? तो ये की है असम राज्य में। ठीक है गैस, अगर CAPF की बात करें तो यहाँ पे CAPF का फुल फॉर्म होता है द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 7वें स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुप्पल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कौसाम्बी जिले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, FICCI ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 8%। ठीक है गाइस, अगर FICCI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविताविज किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है केरल राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में किसने जीता है? तो ये जीता है राजेंद्र कुमार भंडारी ने। ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू।